Dear students, assalamualaikum. Class seventh, subject math, exercise two point one, question number three. In a magic square? In a magic square? The sum of the numbers in each row, in each column, and along the diagonal is the same. Is this a magic square? यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है यहाँ पे ये एक ये डब्बा दिया गया है ये इस तरह से यहाँ पे है टू बाय थर्टीन नाइन बाई थर्टीन फोर बाई थर्टीन सेवन अपान थर्टीन फाइव अपान थर्टीन थ्री अपान थर्टीन सिक्स अपान थर्टीन वन अपान थर्टीन एट अपान थर्टीन अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे ये बोल रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर ये मैजिक स्क्वायर तब होगा जब इसके द सम ऑफ नंबरस इन ईच रो रो बोलते हैं ये जो इस तरह इसको बोलते हैं रो लाइन जो इसे लाइन इसको क्या बोलेंगे रो जैसे यहाँ पे ये लाइन ये दी गई है इस तरह जो है ये लाइन यहाँ पे कितने रो हैं एक रो दो रो और तीन रो ये एक रो आ गया दूसरा रो आ गया और तीसरा रो आ गया अब ये बोलता है द सम ऑफ ईच द सम ऑफ द नंबरस इन ईच रो ये जो ईच रो यानी सब सब जो रो है इनके सम एन ईच कॉलम और कॉलम बोलते हैं इस तरह अगर हम करेंगे तो इसको कॉलम बोलेंगे खड़ा जब हम इस तरह करेंगे तो इसको कॉलम बोलेंगे जब हम इस तरह टीड़ा करेंगे तो इसको हम बोलेंगे रो इस तरह हो गया रो और इस तरह कॉलम अब ये कॉलम इसके तीन कॉलम बांध गए एक दो और तीन ये तीन कॉलम अब इसके बाद में ये बोलते हैं ईच कलम एंड अलोंग द डायगनल एज द सेम अब डायगनल डायगोनल बोलते हैं इस कोने से इस कोने तक डायगनल जैसे कोई भी फिगर है इसके ये डायगनल ये होते हैं डाइगनल इस तरह तो ये यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह ये डायगनल अगर ये सेम है इनका जब हम सम करेंगे ये सब का सेम निकलेगा तो फिर ये मैजिक स्क्वायर है अब ये पूछ रहा है इज दिस ए मैजिक स्क्वायर ये मैजिक स्क्वायर है तो अब इसके लिए हमें क्या करना है हमें इसको प्लस करना है एलॉन्ग द फर्स्ट रो यहाँ पे एक रो इन्होंने करके दिखाई भी है हमें तो रो पहली वाली रो कैसे की है इन्होंने ये एलॉन्ग फर्स्ट रो यहाँ पे किया है जैसे ये है टू बाय थर्टीन प्लस नाइन बाय थर्टीन प्लस फोर बाय थर्टीन अब इसको हमें प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं इसके तो ऑलरेडी सेम है इसलिए हमें जो न्यूमिनेटर है ये ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर एक ही आएगा क्योंकि ये सेम है डिनोमिनेटर टू और नाइन अलेवन एलेवन और फोर आ गया फिफ्टीन तो ये आएगा फ़िफ्टीन बाय थर्टीन इसी तरह हम दूसरे रो को करेंगे अब ये वाला रो ये भी इसी तरह करेंगे हम टू यहाँ पर यह सेवन सेवन बाई थर्टीन प्लस फाइव बाई फाइव अपान थर्टीन प्लस थ्री अपान थर्टीन अब इसको भी देखने ये भी सेम आएगा सेवन और फाइव टूवेल्व ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन बाई थर्टीन तो ये भी सेम आ गए अब इसके बाद में ये वाला देखेंगे सिक्स अपान थर्टीन प्लस वन अपान थर्टीन प्लस एट अपान थर्टीन अब यहाँ पे भी ये सेम डाम अब न्यू को हमें देखना है न्यू प्लस करने हैं अब सिक्स और वन सेवन सेवन और एट आ गया फिफ्टीन बाई अपन थर्टीन अब ये तीन तो रो जो है रो तीनों बराबर निकले रो तीनों सेम है अब हमें करने हैं कॉलम तो फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये ये वाला कॉलम देखेंगे यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाला कॉलम अभी अगर रखेंगे हम वन सेकेंड थर्ड अब इसी सीधे कॉलम फोर फोर आ गए ये कॉलम ये वाला करेंगे थोड़ा नीचे को करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे इसके नीचे फिर अब ये वाला टू अपान थर्टीन प्लस सेवन अपान थर्टीन और सिक्स अपान थर्टीन इसको प्लस करना है यहाँ पे भी हमारे पास डिनिनेटर सेम है अब न्यूमिनेटर को हमें प्लस करना है तो अब टू और सेवन आगे नाइन नाइन और सिक्स आगे फिफ्टीन अपान थर्टीन अब ये वाला कॉलम सेकंड कालम अब फर्स्ट वाला कॉलम किया अब सेकंड वाला कॉलम यहाँ पे ये रो थे अब यहाँ पे ये कॉलम है कॉलम अब कॉलम सेकंड हम करेंगे कॉलम सेकंड को नाइन अपान थर्टीन प्लस फाइव अपान थर्टीन प्लस वन अपान थर्टीन ये भी फाइव और वन सिक्स सिक्स और नाइन्थ फिफ्टीन अपन थर्टीन ही आएगा अब कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड है फोर अपन थर्टीन प्लस थ्री अपन थर्टीन प्लस एट अपन थर्टीन अब यहाँ पे भी फोर और थ्री सेवन सेवन और एट फिफ्टीन डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है ये भी सेम आप डायगनल अब हमारे पास बचे हैं दो डायगनल डायगनल दो ही हैं डायगनल डायगनल फर्स्ट क्या है टू इस तरह से ये वाला डायगनल लेंगे ये वाला अब यहाँ पे है टू अपान थर्टीन प्लस फाइव अपान थर्टीन प्लस एट अपान थर्टीन अब यहाँ पे भी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है अब न्यूमिनेटर देखना है यहाँ पे है टू फाइव आगे सेवन सेवन एट तो फिफ्टीन बाई थर्टीन आ गया अब यहाँ पे डायगनल सेकंड करेंगे डायगनल सेकंड क्या है ये वाला डायगनल सेकंड है अब यहाँ पे लिखेंगे फोर अपन थर्टीन प्लस फाइव अपन थर्टीन प्लस सिक्स अपन थर्टीन तो ये किसके बराबर आएगा फोर फाइव नाइन नाइन सिक्स ये भी इसी के बराबर है फिफ्टीन बाई थर्टीन अब हमने देखा कि इसके हर साइड जैसे ये वाले भी फिफ्टीन बाई थर्टीन फिफ्टीन 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 आए और यहाँ पे ये वाला भी फिफ्टीन बाई थर्टीन आ गया ये डायगोनल, और ये वाला डायगनल भी फिफ्टीन बाई थर्टीन आया और ये कॉलम भी फिफ्टीन बाय थर्टीन है ये वाला कॉलम भी फिफ्टीन बाय थर्टीन है और ये वाला भी फिफ्टीन बाय थर्टीन है तो इसके हर एक जो कॉलम है सब रो ये तीनों रो तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल, टोटल एट इन सब का जो सम आया वो सेम आया तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यहाँ पे ये लास्ट में क्या रहा है इज़ दिस ए मैजिक स्क्वायर तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे यस यस दिस इज ए मैजिक सुकेर क्योंकि इसका हर साइड सेम है